तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त केके कान्हा और आप देख रहे हैं कान्हा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, आज मेरे पास माइक्रोटेक का 24x7 इन्वर्टर रिपेयर होने के लिए आया है, जिसमें से फॉल्ट हम इसको चेक कर लिए हैं। अब जैसे इसका जैक वगैरह हम निकाल लें यहाँ से। इसमें फ्रेंड जितने सारे इसका मॉस्फेट है, सारे मॉस्फेट बस्ट हैं इसका। तो चलिए यहाँ से इसको खोलते हैं और आज आप लोग को बताएंगे कि आप इस बोर्ड में मॉस्फेट कैसे चेंज करेंगे, क्या प्रोसेस से चेंज करेंगे। और तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमने बोर्ड को इन्वर्टर से बाहर निकाल लिया है और बाहर निकाल कर हम इसको रिपेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू विजिट किए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हर नई वीडियो का अपडेट आपके फोन पर नोटिफिकेशन के द्वारा मिलता रहे। और फ्रेंड्स, आप लोग को मैं एक प्रॉमिस किया था कि एक वीडियो हम अपलोड किए थे जो 24 वोल्ट का था, 24x7 का ही था बट 24 वोल्ट का था। उस वीडियो में आप लोग को हम बताए थे कि आप लोग इस वीडियो में अगर ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा रिप्लाई आएगा, तो मैं आपको वहाँ पर बताया था कि इसमें आप ड्राइव ऐसी भी चेंज कर दिए, मॉस्फेट वगैरह सब चीज़ चेंज कर दिए, जिनर वगैरह सब चीज़ चेक करने के बाद भी आपका ड्राइव नहीं मिलता है, तो उसको एक गुप्त राज के नाम से जाना जाता है। तो गुप्त राज का पोल हम इस वीडियो में खोलेंगे, क्योंकि उसमें आप लोग कमेंट जहाँ तक किए बहुत ही ठीक ठाक किए हैं और ज़्यादा मात्रा में भी किए हैं, तो उसको देखकर हमको खुशी मिला। इसलिए इस बोर्ड में जो गुप्त राज है ड्राइव का, इस पोल हम इसमें खोलेंगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो मेरा मॉस्फेट ख़राब है, सारे के सारे मॉस्फेट ख़राब है, हमने चेक कर लिया है। तो यहाँ पर सारे मॉस्फेट को सबसे पहले रिमूव करते हैं और न्यू मॉस्फेट लगाते हैं। और हमको पता है कि जब भी हम मॉस्फेट डालते हैं तब ड्राइव ऐसी भी डालते हैं, तो इसके साथ साथ हम ड्राइव ऐसी भी चेंज करेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि गुप्त राज इसका क्या है। और फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये रेजिस्टेंस भी ख़राब है जो 4.7 ओम का है। तो मॉस्फेट के गेट पर जो सारे 4.7 ओम का जो रेजिस्टेंस लगाया गया है, उस सारे चीज़ को हम चेक करेंगे और जो जो खराब होगा उसको चेंज करेंगे। और यहाँ पर जैसे जो जीनर है, ये भी जीनर मेरा ख़राब है यहाँ पर, और इधर वाला जीनर मेरा सही है, अभी हमने चेक कर लिया है। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इधर वाला भी जीनर सही है, इधर वाला जीनर भी ख़राब है, बाकी इधर रेजिस्टेंस सबका सब सही है, गेट वाला यानी 4.7 ओम का रेजिस्टेंस जो मेरा जला हुआ है, इधर ही मेरा जला हुआ है। तो जो जो यहाँ खराबी है, सारी चीज़ को हम चेक करते हैं और चेंज करते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं इसका गुप्त राज। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस बोर्ड पर पूरी प्रोसेस से वीडियो चाहिए, मतलब माइक्रो कंट्रोल से लेकर कौन कौन से पिन से मेरा वोल्ट आउट होता है और इस ड्राइव आईसी के इनपुट पर कौन कौन से पिन पर इनपुट होता है, फिर इस आईसी के आउटपुट से कौन कौन कंपोनेंट के माध्यम से होकर ये चारों चैनल पर मेरा ड्राइव पहुँचता है, इसके ऊपर आपको डायग्राम चाहिए फुली, यहाँ पर इस आइकन पर हम वीडियो का लिंक दे दिए। इस आइकन पर जाइए आप, वहाँ पर आपको पूरी प्रोसेस से जो वीडियो बनाया गया है मेरे चैनल पर, वो आप देख सकते हैं, वहाँ पर पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए, फिलहाल मैं यहाँ पर जो जो खराबी है उसको चेंज करते हैं और फिर हम आपको लास्ट में गुप्त राज बताएंगे। और फ्रेंड्स, बीच में हम आपको इसके डायग्राम भी दे दूंगा, माइक्रो कंट्रोल से लेकर इस आईसी से मॉस्फेट तक कितने सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं और उसके बीच कौन कौन सा कंपोनेंट ख़राब होता है जो मेरा ड्राइव नहीं बनता है, इसका मैं दे दूंगा डायग्राम, बट समझाऊंगा नहीं डायग्राम पर। डायग्राम को अगर समझना है तो जो आइकन पर हम वीडियो दिए हैं लिंक, इस आइकन पर जाइए, वहाँ पर सारा चीज़ आपको समझाया गया है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं सारे मॉस्फेट के सारे न्यू लगा दिए हैं और यहाँ पर रेजिस्टेंस जो गेट पर 4.7 ओम का जो रेजिस्टेंस कट गया था, जो जो खराब था, वो हमने यहाँ पर न्यू लगा दिया है। आप अपना पहले चेक कर लें कि आपका सारा रेजिस्टेंस खराब है या फिर एक दो खराब है, जो खराब है वही कुछ उसी को चेंज करें, बाकी सही रहने दें। तो फ्रेंड्स, फिलहाल मेरे इस बोर्ड में सारे रेजिस्टेंस खराब थे इसी चैनल वाला, तो हमने तीनों यहाँ पर चेंज कर दिया, बाकी ये तीनों खराब सही था तो यहाँ पर रहने दिया। और यहाँ पर हमने जीनर चेंज कर दिया जो कि 15 वोल्ट का है। और फ्रेंड्स, आप इधर साइड में भी देख सकते हैं, इधर साइड में भी हम सारे न्यू मॉस्फेट लगा दिए हैं और इस साइड में भी मेरा दो रेजिस्टेंस खराब था 4.7, इसको भी हम चेंज कर दिए। और इधर वाला साइड से मेरा सब सही था रेजिस्टेंस, तो इसको रहने दिया। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जीनर ये भी खराब था, मतलब ये जीनर और ये जीनर दोनों खराब था। तो दोस्तों, ये दोनों जीनर मेरा 15 वोल्ट का रहता है, एक ये और ये, यानी चार जीनर मेरा, चारों जो है सो 15 वोल्ट का है। इसका नंबर अगर आप जानना चाहें तो इसका नंबर 4748 है, जो कि 15 वोल्ट का है। और यहाँ पर हमने ड्राइव ऐसे चेंज कर दिया, 83202 के जगह पर 4082 लगा दिया। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसमें 12 वोल्ट कनेक्ट करते हैं और फिर चारों चैनल पर हम ड्राइव चेक करते हैं, मेरा ड्राइव ठीक हो गया होगा तो हम आपको गुप्त राज बताएंगे इसका, जो आपका इस बोर्ड में आप जितना चाहे आप मॉस्फेट चेंज कर ले, ड्राइव ऐसे चेंज कर ले, जीनर वगैरह चेंज कर ले, तभी आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा, अगर आप उस राज को नहीं जानते हैं तो। तो फाइनली इस वीडियो में हम आपको वो गुप्त राज को खोलने वाले हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं
ये मेरा 24x7 का ड्राइव सेक्शन के ऊपर डायग्राम है। ये मेरा पॉजिटिव साइड है और ये मेरा ड्रेन साइड है, और इसके बीच आप देख सकते हैं माइक्रो कंट्रोल से पिन नंबर कितने से मेरा वोल्ट आउट हुआ है, और यहाँ पर माइक्रो यहाँ पर ड्राइव ऐसे के इनपुट हुआ यहाँ पर 4 वोल्ट और 4 वोल्ट आउट हुआ है जिस, और आप देख सकते हैं किसके माध्यम से यहाँ पर मेरा वोल्ट जाता है। और इसके बीच अगर ये सारे कंपोनेंट खराब हो जाएंगे तो आपका ड्राइव नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस डायग्राम को पूरी तरह से समझना चाहते हैं पूरी डिटेल से, तो इस आइकन पर दिए गए वीडियो को आप देखिए, वहाँ पर सारा चीज़ आपको समझाया गया है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं पीसीबी की ओर। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 2 वायर कनेक्ट कर लिया 12 वोल्ट का, यहाँ पर प्लस हम और यहाँ पर माइनस दोनों को यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है, और स्विच के जगह पर यहाँ पर हम जम्पर मार दिए पतला वायर से, ताकि मेरा 12 वोल्ट कनेक्ट करते ही मेरा स्विच ऑन हो जाए। क्योंकि तो चलिए फ्रेंड्स, सारे चैनल पर हम ड्राइव चेक करते हैं कि मेरा ड्राइव बना कि नहीं बना। सारे मॉस्फेट आपको ड्राइव चेक करना है दोस्तों। मीटर को डीसी मोड पर सेट कर लेते हैं और सारे मॉस्फेट पर आपको ड्राइव चेक करना है। ये दोनों वाले चैनल पर आपको 3 वोल्ट मिलना चाहिए, 3 से 3.5 वोल्ट। अब देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। अब जैसे 3.1 वोल्ट है तो ठीक है, सारे चैनल पर सेम बनना चाहिए। अब देख सकते हैं मेरे सारे चैनल पर यहाँ पर ड्राइव ओके बन रहा है, और ऊपर के साइड हमको 15 से 18 वोल्ट के बीच बनना चाहिए। चलिए देख लेते इधर, आप देख सकते हैं इधर 15 वोल्ट के करीब बन रहा है, पूरी तरह से ठीक ठाक है। मेरा बैटरी थोड़ा चार्ज कम है इसलिए यहाँ पर थोड़ा कम बन रहा है, नहीं तो ज़्यादा बनता। तो आप देख सकते हैं सारे मॉस्फेट पर मेरा 7 वोल्ट बन रहा है। तो फ्रेंड्स, इसमें तो मेरा मॉस्फेट चेंज करने से, जीनर चेंज करने से और ड्राइव ऐसे चेंज करने से तो मेरा ड्राइव बन गया, लेकिन कई बोर्ड ऐसे होते हैं जिसमें आप कई बार थक जाओगे मॉस्फेट या ड्राइव ऐसे चेंज करके, तभी आपका यहाँ पर ड्राइव नहीं बनेगा। तो वो कौन सी कारण होती है, ये चीज़ को हम समझते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जान लेते हैं कि इस बोर्ड में क्या गुप्त राज है जिसके कारण, या फिर वो कंपोनेंट खराब हो जाने के कारण मेरा यहाँ पर ड्राइव नहीं बनता है। वो गुप्त राज को जान लेते हैं जिसका बेसब्री से इंतजार है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 4 चैनल है, तो 2 चैनल के लिए 2 कैपेसिटर यूज किया गया है और 1 चैनल के लिए प्लस वाले के लिए 1 कैपेसिटर यूज किया गया है। मतलब 4 चैनल के लिए यहाँ पर 3 कैपेसिटर यूज किया गया है करंट को सप्लाई करने के लिए, मतलब ड्राइव को सप्लाई करने के लिए। तो अगर आपके इस ड्राइव में 3 कैपेसिटर में से 1 कैपेसिटर भी खराब हो जाएगा तो आपका ड्राइव नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, अगर आप मॉस्फेट चेंज कर लिए, ड्राइव ऐसे चेंज कर लिए, माइक्रो कंट्रोल चेंज कर लिए, तब भी आपका ड्राइव नहीं बन रहा है, जिनर वगैरह सब चीज़ आप चेक कर लिए और चेंज कर लिए, तब भी आपका ड्राइव नहीं बन रहा है, तो आपको आँख मूंद कर आपको यहाँ पर 3 कैपेसिटर को चेंज कर देना। आपका फुल गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि आपका ड्राइव बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि आपका अगर ड्राइव नहीं बन रहा है तो कहाँ से फॉल्ट बन सकता है, ये 3 कैपेसिटर को, उस कंडीशन में आपको ये 3 कैपेसिटर को चेंज ही कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको हम इस बोर्ड का गुप्त राज बता दिए कि आपका ड्राइव कहाँ से डिस्टर्ब हो सकता है। तो चलिए इसमें एक चीज और हम आपको चेक करने बताते हैं जो कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिशियन भाई को पता नहीं रहा। बिना मॉस्फेट निकाले बोर्ड में ही मॉस्फेट को चेक कर सकते हैं। ये तरीका कैसे चेक करते हैं, ये तरीका हम आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें मेरा 4 चैनल है, 2 प्लस साइड 2 ड्रेन साइड। तो ड्रेन के साइड आपका अगर आप मॉस्फेट सर्किट में लगे चेक करोगे तो ड्रेन के साइड आपका 150 से 200 के बीच मान आए, जो कि मैं अभी आपको बताएंगे। और जो प्लस का साइड है, इधर साइड आपको अगर आप मॉस्फेट लगे चेक करोगे पीसीबी में ही, तो 400 से 450 के बीच मान सो होना चाहिए। तो कैसे चेक करोगे, मीटर को कंटिन्यूटी मोड पर ले जाना आपको, और माइनस को ड्रेन पर रखना है, मतलब हीट सिंक पर रखना है ये नट पर, और यहाँ पर आपको चेक करना है, क्योंकि सारे मॉस्फेट का सोर्स शॉर्ट है, मतलब सारे मॉस्फेट का जो सोर्स है वो आपस में सब मिला हुआ है। तो यहाँ पर चेक करना है, आप देख सकते हैं 172 के लगभग आ रहा है, तो सारे मॉस्फेट पर सेम आएगा क्योंकि सारा एक दूसरे से शॉर्ट है। यहाँ पर इधर भी वही मान आना चाहिए, यहाँ पर रखते हैं और देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये दोनों साइड आपको 150 से 200 बीच ही आना चाहिए मान, और इधर साइड से आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस को रखते हैं, यहाँ पर प्लस को रखते हैं, यहाँ पर 450 के लगभग मेरा मान शो होना चाहिए, आप देख सकते हैं। इधर भी आप देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स दोनों चैनल पर यहाँ पर 450 के लगभग मेरा मान शो हो रहा है। तो आपने यहाँ पर 2 चीज सीखा, अगर आपका मॉस्फेट चेंज करने से, ड्राइव ऐसे चेंज करने से, माइक्रो कंट्रोल चेंज करने से, या फिर जीनर वगैरह सब चीज चेंज करने से ड्राइव नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर आपको जो कैपेसिटर बताया हम आपको तीनों को चेंज कर देना है। और पीसीबी में लगे मॉस्फेट को कैसे चेक करना है, माइनस को यहाँ पर रखना है, प्लस को यहाँ पर, इस साइड में आपको दोनों चैनल पर 150 से 200 बीच मान आना चाहिए, और इधर साइड आपको 400 से 450 के बीच मान आना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस जो पीसीबी में फॉल्ट था वो पूरी तरह से क्रिएट हो गया है। अब चलिए इस पीसीबी को हम इन्वर्टर में सेट करते हैं और सारा चीज़ चेक करते हैं मेरा सब चीज़ ठीक ठाक हुआ कि नहीं।
और फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने पीसीबी को इन्वर्टर में सेट कर लिया है और 12 वोल्ट से भी कनेक्ट कर लिया। चलिए सामने डिस्प्ले पर चलते हैं और इसका स्विच को ऑन करते हैं। अब जैसे यहाँ पर यूपीएस ऑन आ गया है, चलिए पीछे के साइड से आउटपुट चेक करते हैं मेरा, आउटपुट ठीक ठाक दे रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स आप देखते हैं मेरे पीछे के साइड से आउटपुट मेरा 250 के लगभग मेरा यहाँ पर वोल्ट आउट कर रहा है, जो कि पूरी तरह से ठीक ठाक है। अब चलिए इसमें एसी इन करते हैं और फिर देखते हैं मेरा चेंज ओवर होता है कि नहीं, चार्जिंग करता है कि नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंस भी आ गया और चार्जिंग भी करने लग गया और मेरा यहाँ बैटरी फुल चार्ज है, इसलिए यहाँ पर फुल इंडिकेट कर दिया, मतलब इस इन्वर्टर में कोई फॉल्ट नहीं है, पूरी तरह से आप ये ठीक ठाक हो गया। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पर, एक नए फॉल्ट पर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।